हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मेरा जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है लेट इवनिंग से। टाइम 7 o'clock हुआ है और यहाँ पे मैंने कृषा को उसकी एक छोटी सी नैप के लिए उसके रोकर में लिटा दिया है। और ये देखिए, आजकल पुणे की जो इवनिंग्स हैं और मॉर्निंग्स हैं ना, वो काफ़ी चिल्ड हो रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ठंड है यहाँ पे और वेदर भी ना काफ़ी ज़्यादा विंडी है। और इस वेदर के चलते चलते ना इवनिंग में आके रूटीन वाला खाना खाने का मन नहीं करता। मन करता है कि कुछ अच्छा बना लो, कुछ डिफरेंट कुक कर लो। तो आज ना मेरा मन था कि चलो एक डिफरेंट स्टाइल से पनीर बनाया जाए, तो वही फिर आज मैं बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। और अभी निर्मला भी आ गई थी, क्योंकि निर्मला की हेल्प से ही मैं कर लेती हूँ, वरना क्रिशर होने लगती है ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। तो बस यहाँ पे देखे, मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पे इसमें है सेसमे सीड, इसमें है कैश्यू, और इसमें है मेलन सीड्स, और इसमें है पोपी सीड्स। इनको ऑलरेडी मैंने सोख करके रख दिया था और क्वांटिटी आप देख सकते हैं इसमें मतलब कितनी है। आधी कटोरी है ये और इसको अच्छे से सोख करना है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें है सिनेमन, क्लोव और ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम। तो इनको हमें बहुत अच्छे से पाउडर बनाना है क्रश करके, क्योंकि ये जो पाउडर है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वाली सब्ज़ी में ना, क्योंकि इसकी जो एसेंस है ना वो बहुत अच्छी आती है। और अगर आप मतलब कुक हो रही होगी ना सब्ज़ी, तो आपको लगेगा कि रियली किसी रेस्टोरेंट वाली जो सब्ज़ी है ना उसकी एसेंस आ रही है, वो सिर्फ इस मसाले की वजह से आती है। आप ना ज़रूर ट्राई करना। और साथ में ही ना कुकर में 2 प्याज, 1/2 शिमला मिर्च और 4 टोमेटोस और मटर, ये हमने पैरेलली बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें बस एक ही विसिल लगानी है, क्योंकि ये हम सब्जी की ग्रेवी में यूज़ करेंगे और इससे ना ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी, तो इसको एक विसिल लगाने के लिए हमने रख दिया। और साथ में यहाँ पे हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, इनको हमने मतलब पीस लिया, क्रश कर लिया बेसिकली। तो आप ग्रीन चिली अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो एक डाली थी और मुझे उसी से ही ना सब्ज़ी थोड़ा सा स्पाइसी लगी थी, क्योंकि इसमें अदर मसाले भी जाएंगे ना इसीलिए। सब्जी की सब प्रिपरेशन हो गई है, तो अभी अपनी जो सब्जी है ना वो बनाना शुरू करेंगे। ऑयल ऐड किया है और इसमें मैंने जो होल गरम मसाले कूटे थे ना, वो मैं ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मतलब सोटे करना है, क्योंकि इसकी एसेंस तभी अच्छी आएगी ना। और इसके बाद जो जिंजर गार्लिक क्रश किया था वो मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छे से सोटे करने के बाद इसमें 1 chopped onion ऐड किया है, और इनको अच्छे से मतलब हमें भूनना है। और जब हमारा अनियन अच्छे से भून जाएगा, तो उसमें जो बेसिक मसाले हैं जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो ऐड किया। और कलर के लिए इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया, क्योंकि कश्मीरी रेड चिली पाउडर ना स्पाइसी नहीं होता है लेकिन कलर अच्छा होता है। तो वो ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है एक जो अपना अमूल वाला बटर का क्यूब होता है ना, वो ऐड कर दिया है। और उसके बाद ना यहाँ पे देखिए जो सब्जियाँ हैं ये हमारी बॉईल हो गई थी, इसमें से मटर निकालने के बाद, मटर हम ग्राइंड नहीं करेंगे, जो बाकी हमारी शिमला मिर्च और टमाटर और हमारे अनियन थे उन्हें को हम ठंडा करेंगे, और ठंडा करके फिर हम इसको इसका स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे साथ में ही रोटी की तैयारी भी हो रही है। और यहाँ पे देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 चम्मच बेसन ऐड किया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं सब्जी मसाला। अब इसको ना बहुत अच्छे से भूनना है, ताकि बेसन का जो रॉ फ्लेवर है ना वो निकल जाए। तो ये आपको मतलब ध्यान रखना है। और बटर इसमें अमूल का ही जाएगा, क्योंकि उससे जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा आता है। सो यहाँ पे ना मैंने SDS मसाला ऐड कर दिया है, शाही पनीर मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये ना मैंने जिस को रेकमेंड किया है और जिसने यूज़ किया है ना बहुत तारीफ़ की है। अगर आप इसके शाही पनीर मसाला, दम आलू मसाला यूज़ करेंगे ना SDS के, तो कभी भी मतलब डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत अच्छे मतलब टेस्ट है। मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, इनफैक्ट ग्लासगो भी लेके गई थी, वहीं से ही यूज़ कर रही हूँ। मेरी दीदी ने मुझे बताए थे और उन्होंने ही मुझे पैकेट्स भी दिए थे, तो वही लेके आती है मेरे लिए। और
बस यहाँ पे ना अभी मैंने ऐड किया है सोल्ट, और सोल्ट ना आप हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि जब हम आलू बटर ऐड करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है और हमारा जो नमक है ना वो तेज़ हो जाता है। एक बार मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स थे ना उनकी भी उनको अच्छे से पीस लिया, स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है, तो इसकी भी इसको भी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे सौरभ देख रहे थे कृषा को, क्योंकि कृषा अपनी नैप लेके, जो भी है नैप ली कि नहीं वो मतलब उठ गई थी, तो फिर अभी सौरभ जो है वो ऑन ड्यूटी हैं। मसाला अगर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा थिक है और पक नहीं रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ऑयल कम ऐड करती हूँ ना, तो इसीलिए मेरी सब्जियों में ऑयल कम छोड़ते हैं। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो अच्छे से भुनेगा भी और ऑयल भी छोड़ेगा। तो बस यहाँ पर जो आटा है ना वो भी तैयार हो रहा है, इसमें बेसन है और इसमें है गेहूँ का आटा, और इसमें डाली है अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सोल्ट। इसमें कसूरी मेथी नहीं है, कसूरी मेथी मेरे पास ख़त्म थी, वरना ये जो रोटी है ना बहुत टेस्टी बन के तैयार होती हैं। और आज बस एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी कसूरी मेथी। सौरभ पनीर लाने भी गए थे तो भी मैं उनको बताना भूल गई कि मतलब कसूरी मेथी ख़त्म है, वो ले आना। सब्ज़ी में बस एक ही चीज़ मिस थी। और बस यहाँ पे जो सब्ज़ी है ना वो मतलब मेरी पकी मसाला, तो इसमें जो हमने ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट तैयार किया था ना वो भी ऐड कर दिया। अभी इसे हम ढक के बहुत अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि सब्ज़ी जितनी ज़्यादा पकेगी ना उतना इसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो एनहान होगा। तो बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी हम चीज़ें डाल रहे हैं उनको मतलब बहुत अच्छे से पकाना है, बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। और फिर जब ये अच्छे से पक जाएगा, इसमें हमने दूध ऐड कर दिया है, कम से कम 1 कप इसमें दूध जाएगा। और अगर आप पानी आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, इसमें अभी ऑयल आ गया ना पेस्ट डालने के बाद, और पानी वगैरह अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनाई थी तो बस इसमें मटर ऐड कर दिया और इसमें पनीर ऐड कर दिया। तो अब ये जो सब्ज़ी है ना वो मतलब ऐसे ही लो फ्लेम पर पकती रहेगी। और इसमें ना कसूरी मेथी ज़रूर ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी, बस वही चीज़ इसमें कम रही, अदरवाइज ये सब चीज़ें सब कुछ था मेरे पास, और तो भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छा टेस्ट दे रही थी। और आप कसूरी मेथी ऐड करेंगे फिर तो जो सब्ज़ी है ना उसकी मतलब बात ही चेंज हो जाएगी। ये का कराए, ये का कराए, गुड्डा क्या कराए, गुड्डा क्या कर रहा है, डांस अच्छा डांस कराते कृषा को, अच्छा नहीं 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 नहीं, नो डांची डांची, नो डांची डांची, feeling tired, कृषा is feeling tired, how do you know कृषा is feeling tired, नींद नहीं आ रही है। अच्छा अब 100, सुनाओ 100 छुट्टी। सब्जी में कसूरी मेथी और हो जाती ना तो इस सब्जी का जवाब नहीं था मामा, बस वही कमी रह गई इसमें कसूरी मेथी की। हाँ चलेंगे बाबू, भी चलेंगे लेके आएंगे। पनीर मंगाया ना तो भी याद नहीं रहा, पनीर मंगाया ना तो भी याद नहीं रहा, क्योंकि वो थोड़ी सी थी, मुझे याद था कि है लेकिन खत्म ही हो गई। ये सौरभ के पास जाते ही रोना चालू कर देगी, ये लो। रोना नहीं है ठीक है, मम्मी को डिनर करना है अभी। एक काम करो तुम मेरे चेहरे का ना मास्क बनवा लो, मैंने एक वीडियो में देखा था वो जो फादर था ना वो अपने बच्चे को दूध पिला रहा था अपनी वाइफ का मास्क पहन के बोतल से। हाँ ये देखो चालू हो गया, क्या
क्या टी शर्ट में कांटे लगा रखे हैं क्या? नहीं करने देगी आज। सब्जी बनके तैयार हो गई है और बहुत तेज भूख लग रही है। इसमें ना हरा धनिया डलवा दिया था। हरा धनिया का टेस्ट मतलब उतना कुछ खास नहीं आया, लेकिन अगर कसूरी मेथी होती तो बात ही अलग थी। बार बार एक ही रोना रो रही हूँ। और अभी बस डिनर करूँगी। हालांकि कृषा मतलब थोड़ा सा कर ही रही है परेशान, लेकिन भूख भी बहुत तेज लग रही है ना। अभी 8:30 हो गया है और ये जो मिस्सी रोटी है ना, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये सब्जी के साथ ना यही मिस्सी रोटी अच्छी लगती है। सलाद है और ना बेसिकली क्या है ना कि विंटर वाला वेदर है ना, इसमें अच्छा लगता है कि कुछ चटपटा कुछ अच्छा सा स्पेशल खा लो, तो वही मतलब फिर अच्छा फील होता है। तो अभी हम लोग करेंगे डिनर। कैसा लग रहा है सब्जी का स्वाद? बहुत अच्छा लग रहा है। नमक मैं तो डाल लिया। नमक मैंने जानबूझ के कम डाला, क्योंकि वो अमूल का बटर रहता है ना, तो उससे तेज हो जाता है। नमक डाल के थोड़ा कुछ टेस्ट लगा, देखो टेस्ट आया नमक डाल के। मैं भी डाल लेती हूँ। डिनर हो गया है और कृषा भी मतलब काम डाउन है अभी। और यहाँ पे जो भी बर्तन निर्मला क्लीन करके जाती है ना, तो उसको उनके प्लेस पे रख देते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको फिर ना मतलब वाइप आउट करना पड़ता है। और ये है गज्जक। अगर आप पुणे में हैं तो जनता ब्रांड की एक गज्जक है, बहुत टेस्टी है। अगर आप लोग यूपी से बिलोंग करते हैं और आपको ऐसे मूंगफली वाली गज्जक का वही ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, तो ये बहुत अच्छी है गज्जक ना, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट स्वीट डिश है ये विंटर्स की। और हमने अपने फ्रेंड्स को जिन जिनको भी खिलाई, जिन जिनको गिफ्ट करी है ना, उनको सबको बहुत पसंद आई है। आप लोग वाला ब्रांड ज़रूर ट्राई करना अगर आप लोग मतलब नॉर्थ इंडिया से हैं, क्योंकि पुणे में मतलब बेसिकली महाराष्ट्र में जो चिक्की मिलती है ना, वो चीनी वाली मिलती है, और मुझे चीनी वाली उतनी पसंद नहीं है। ये गुड़ वाली मिलती है और ये बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी ना, इसका मतलब बेसिकली ऑथेंटिक टेस्ट है। तो बस यहाँ पर रजत शर्मा का शो चल रहा है, साथ में KBC चल रहा है, और अपने चिक्की के साथ अपना जो छोटा सा शो है ना, वो इन्जॉय करेंगे। और उसके बाद मैं लूँगी फ्यू स्टेप्स। अनमित को मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इन्फेक्शन हुआ था, तो वो ठीक हो गया है, और वो बार बार वही बोल रहा था मेरा ठीक हो गया, मुझे आइसक्रीम दे दो। तो तसल्ली से बैठ के किचन में ही बैठ गया और यहाँ पे बैठ के खा रहा है, और शेयर वो करेगा नहीं, क्योंकि इस मामले में वो बहुत ज़्यादा पक्का है। जो उसकी फेवरेट चीज़ें होती है ना, वो मतलब बहुत मुश्किल से मुझे तो फिर भी दे देता है, और किसी को बिल्कुल नहीं देता। ये है, और बस ऐसी थी हमारी आज की इवनिंग बेसिकली। मम्मी के साथ शेयर करेगा? नो। अभी हम निकले हैं थोड़ा बाहर के लिए, क्योंकि अनवित को क्रिसमस ट्री लगाना है, और हर साल ही लगाते हैं वो तो, और अनवित की डिमांड आ गई है कि क्रिसमस ट्री लगा लिया जाए। तो आज निकाल लिया है हम लोगों ने बाहर, तो सोचा कि थोड़ा कुछ डेकोरेशन का सामान वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि पिछले साल का ना सब ऐसे ही हो गया, थोड़ा बहुत ही मतलब बचा, क्योंकि ऐसे रहते हैं ना जब उनको रखते हैं ना निकाल के, तो निकालने में बहुत बार टेप वगैरह लगे रहती है। अनवित तुम आगे बैठो, टेप वगैरह रखती रहते ना, कुछ ना चिप ऐसे हो जाते हैं, तो इसीलिए सोचा कि कुछ चीजें देख के आते हैं। अभी कहाँ पे जा रहा है? क्रिसमस शॉपिंग करने जा रहा है। अच्छा, क्या लेके आएगा? सेंटास? अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। बड़ा शॉप हो गया है ना, देखो। जो शॉप है वो बहुत बड़ा कर लिया है, बोल रहे हैं कि भाभी जरा ऊपर देख के आओ तो वही ऊपर देखने के लिए जा रही हूँ। शॉप ना भैया का बहुत बड़ा कर लिया है इन्होंने ना, तो मैं इनके रेगुलर कस्टमर हूँ, अपना जो सारा सामान है वो यहीं से लेती हूँ। ये देखो कितनी बड़ी शॉप हो गई है। मम्मी को मैं बोल रही थी कि आपने शॉप देखी क्या, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं, ब्लॉग के थ्रू मम्मी भी देख लेंगी अब। और अनमित को चाहिए कैरियर ट्रक, उसने क्रिसमस गिफ्ट बोला था, वही देखने के लिए आए हैं। अनवित अभी सिर्फ देखेंगे है कि नहीं है, लेंगे फिर हम बाद में। मुझे बता दो तुम्हें कौन सा चाहिए। हाँ कौन सा चाहिए दिखा दो मुझे। वही ना, इतना ज़्यादा इसको व्हीकल का शौक है, इतना ज़्यादा इसको व्हीकल का शौक है, आई कांट टेल यू, बहुत ज़्यादा।
हॉट व्हील्स का चाहिए। देखो फाइनली अनवित ने अपनी शॉपिंग कर ली है, क्रिसमस डेकोरेशन की हो गई है और काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं उसने, जो बोला ना छोटी 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 वो सब ले लिया है। और व्हीकल हॉट व्हील्स का उसने पसंद किया था अपने लिए, लेकिन मैं वो लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि क्या है ना बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह इकट्ठे हो गए हैं, और दूसरा क्या है ना दो दिन चीज़ें प्ले करता है इसको, फिर नेक्स्ट कुछ चाहिए होता है इसको, व्हीकल्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी है। कंस्ट्रक्टिव लिया है मैंने उसमें ना, मतलब व्हीकल्स बनाने हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लेगो नहीं है, काइंड ऑफ लेगो ही है, लेगो का डुप्लीकेट है बेसिकली 300 पीसीज का, वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि ये वाला ले लेती हूँ, उसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रहेगा ना। ऐसा है सामान आपको मैं दिखाऊंगी घर जाके। तो अभी हम लोग निकले हैं इधर वाकड़ साइड की तरफ ना, यहाँ पे निकले हैं और वहाँ पे एक्चुअली मेरे को ना एक चीज़ देखनी है, तो देखते हैं। सौरभ वापस ये सब बन रहा है यहाँ पे ना जो पूरा मार्केट था सब टूट गया था, यहाँ पे सब फर्नीचर वाली शॉप्स थी, ये सब वापस बन रही हैं। हमने यहीं से अपना फर्नीचर लिया था, जो लिया था ना ये सब टूट गई थी, लेकिन अब वापस सब बन रही है, यहाँ पे सब बन गई। सो हम लोग, मतलब मेरा काम नहीं हुआ था, हम लोग घर की तरफ जा रहे थे, फिर रास्ते में ना ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कैफ़े पड़ता है टी विला करके, बहुत टाइम से है ये, और सौरव का मन हुआ कि चाय पी के ना तब चलते हैं, और ये वाला कैफ़े हम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया था। घर पे खाना बना हुआ है, मतलब लाइव बनाने के लिए खाना खाना है, तो यहाँ पे हम लोग टी कॉफ़ी मतलब ऐसे ही कुछ लेंगे जो लाइट्स हैं ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है वाला कैफे ना, उसमें मतलब बाहर भी सिटिंग है अंदर भी है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब चाय वाय जो भी है वो सब कैसा है। क्रेजी कैफे बहुत अच्छा था, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो आप लोग ट्राई करना। तो चलो यहाँ का भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब है। यहाँ पे मेन कोर्स भी है, मतलब खान रेस्टोरेंट है पूरे। पूरा मूड खराब हो गया है क्योंकि जो टी विला है ना उसमें इतने ज़्यादा मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज थे, और वो कृषा के लिए बिल्कुल सेफ नहीं थे, तो हमें वहाँ से उठ के आना पड़ा। उन्होंने हमें जो प्लेस दिया था वहाँ पे चल रहा था बहुत तेज एसी, तो दोनों ही प्लेस हमारे लिए बेकार थे। लेकिन ये अनवित महाराज है ना, अगर एक बार रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं इनको समझाना फिर बहुत मुश्किल होता है, तो फिर इनको कुछ ऐसे हल्का फुल्का सा भी वहाँ पे खिला देंगे, फिर घर ही जा रहे हैं हम लोग ना। एम्बियंस बहुत अच्छा था, ये कन्नू की चाय पी लेते हैं सौरभ, यहाँ पे कन्नू की चाय है, हम लोगों ने पी भी नहीं है कभी, देखते हैं क्या है। और ऐसा है बेसिकली बहुत ज़्यादा, अभी आज तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसे मॉस्किटोज देखे नहीं है, लेकिन अल्टीमेट थे। अच्छा वो सौरभ हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है ना, देखेंगे ना, मत तो इंटरेस्टिंग सा रहा ये, और कुल्हड़ वाली चाय भी है यहाँ पे, वो देखेंगे। हाँ कुल्हड़ वाली चाय भी है यहाँ पे। कॉफी भी कुल्हड़ में है क्या यहाँ पे? अच्छी है कॉफी भी। कितने की है? 30 रुपीज की कुल्हड़ में। टेस्ट अच्छा है, आ सकते हैं आप मम्मी पापा के साथ भी। तो ये ना कन्नू चाय के बगल में ही था, गजेबो या गजब ऐसे करके था, इसमें काफ़ी कुछ था और ये अच्छा लगा, यहाँ की चाय कॉफ़ी और ऐसे स्नैक्स ना
काफ़ी अच्छा था, और मतलब ऐसे अगर आप लोग आसपास रहते हैं ना तो आप लोग आ सकते हैं, और मतलब एम्बियंस भी अच्छा था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने सोचा कि एक फ्रेश व्लॉग आप लोगों के साथ शुरू करूंगी और अपनी जो चीज़ें मैंने शॉपिंग की हैं वो भी सब शेयर कर दूंगी। तो चलिए, अगर आप मुझे यहाँ तक फॉलो देख चुके हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फिर आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं अपने जो लाइफ के अपडेट्स हैं और डेली वाले वो डालते रहती हूँ, वहाँ पर आपको क्विक वाले अपडेट मिल जाएंगे। तो चलिए, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।